इसके बाद हम लोग फिफ्थ मंथ तक हमने कर लिया ना, अब हम सेवन्थ मंथ पे आते हैं। तो सेवन्थ मंथ पे क्या होता है कि जो बेबी होता है ना, तो उसके नेल्स हैं ना वो फिंगर टिप्स पे निकलना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब फिंगर्स जो उसकी बनी होती है ना उस पे नेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और आईलेट भी ओपन हो जाती है, और पीपली मेम्ब्रेन भी जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, पीपल की जो मेम्ब्रेन होती है ना। और नाइन्थ मंथ में क्या होता है, वो जो लेंगो हेयर की जो मैंने बात की थी ना कि जो रुआ बॉडी में होता है ना वो फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमने देखा होगा कि बच्चे पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसकी अगर हम इंट्रायूटराइन लाइफ की बात करें ना, तो तब उस वक्त बाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और जो वर्निक्स कैसियोजा था ना सिर्फ जॉइंट पे रह जाता है, और नेल्स जो होते हैं ना वो भी हमारे पास ग्रो करना शुरू हो जाते हैं टिप से, ठीक है। टेस्टिकल्स भी जो फिफ्थ मंथ में स्टार्ट हुए थे डिस्टेंड होना, वो भी स्कोटम में आ चुके होते हैं। अब लेंथ ऑफ फीटस की बात करते हैं। अब रूल ऑफ हेस जो है ना, मेनली हम लोग जो है ना लेंथ ऑफ द एज ऑफ द फीटस के लिए हम लोग करते हैं रूल ऑफ हेस का। रूल ऑफ हेस का तरीका ये होता है ना कि वेट अ सेकेंड, डायग्राम थी लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ यहीं से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लेंथ है ना 25 सेंटीमीटर ना, तो हम क्या करेंगे, अगर फिफ्थ मंथ से बच्चा कम है ना, फिफ्थ मंथ से ना, तो हम क्या करते हैं कि हम ये 25 हमारे पास लेंथ आई है ना, तो 25 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा ना, तो बच्चा हमें पता लग जाएगा कि बच्चा जो है ना फिफ्थ 5 मंथ का है, ठीक है। एट द सेम अगर बच्चे का हमारे पास आया 35, ठीक है, 35 से हमें पता है कि 35 का क्या आ रहा है, हमें 35 से हम दिमाग में लगाएंगे कि 35 फाइव मंथ के बाद होगा कि पहले होगा, तो इससे हम क्या करते हैं 35 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 35 5 5 7 मंथ का बच्चा है ये 35 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बात करें तकरीबन हम लोग 35 हो गया, फिर इसके बाद अगर हम लोग 40 सेंटीमीटर का बच्चा ले लेना, तो 40 को भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 40 के 5 कितने ज़्यादा 8 ज़्यादा आते हैं ना, तो ये हमारे पास 8 मंथ का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और हाँ भैया, हाँ ये तो हो गया। अब वो एक हमने 5 मंथ के बाद वाली और 5 मंथ के पहले वाली दोनों बातें कर ली थी ना, और अब हम अगर लेंथ मालूम करना चाहें ना सेम केस में ना, तो हम लेंथ वही से मालूम कर सकते हैं। अब लेंथ हम कैसे मालूम करते हैं, फल्ला ये पेजेस मेरे, अच्छा लेंथ कैसे मालूम करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मंथ पता है ना, तो हम लोग लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। लेंथ कैसे मालूम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मंथ पता ही है, हम कहेंगे कि अगर हमारे पास फिफ्थ मंथ है ना और हमें लेंथ मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइव का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है 25, तो मतलब कि 25 सेंटीमीटर को होता है वो फिफ्थ मंथ में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग उसका देखें ना कि हमारे पास अगर फिफ्थ मंथ की बात की, अगर हम बात कर रहे हैं ना, और हमारे पास जो है वो मंथ है सेवन्थ मंथ या एट मंथ कर लेते हैं, ठीक है, एट मंथ, तो एट मंथ में हम क्या करेंगे, फाइव के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि ये 40 सेंटीमीटर पे होगा एट मंथ में, ख़त्म। अच्छा इसके बाद हम लोग करते हैं वेट ऑफ द फीटस। वेट 20 वीक पे वेट होता है तकरीबन 400 ग्राम्स, ठीक है, 20 पे 400, 28 वीक पे 1000 से 1300, और हमारे पास 40 वीक पे 2700 से लेकर 3500 तक वेट हो सकता है, ठीक है बंदे का। इसके बाद अगर हम अपेयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर की बात करें ना, तो अब हमने ये पढ़े हुए भी हैं, क्लेविकल जो होता है ना 5 to 6 वीक में ऑसिफाई हो जाता है, क्लेविकल और स्कल जो होता है ना, क्लेविकल और स्कल जो होता है वो 5 to 6 वीक में हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी सेंटर फॉर द लॉन्ग बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स है प्राइमरी सेंटर, वो 8th वीक में होता है, 9th वीक में जो है ना इश्कियम प्यूबस, लोअर एंड ऑफ द फीमर, लोअर अपर एंड ऑफ द टीबिया, ये चीज़ें हो जाती हैं। दोबारा करते हैं, ऑसिफिकेशन 5 to
सिक्स वीक में हमारे पास जो होती है क्लेविकल हो जाती है, स्कल बोन हो जाती है, हमारे पास लॉन्ग बोन का जो प्राइमरी वो है ना, प्राइमरी सेंटर ऑफ फॉर लॉन्ग बोन, वो एट वीक में होता है, नाइन्थ वीक में हमारे पास फीमर का लोअर एंड और टीबिया का अपर एंड, और हमारे पास इश्कियम प्यूबिस वगैरह हो जाता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ पे आ जाते हैं। हमने इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे तो हमने कहा था ना फोर पैरामीटर्स होते हैं, फोर पैरामीटर्स में हमारे पास क्या क्या था, एक हमारे पास जनरल अपेयरेंस थी, फिर लेंथ ऑफ द फीटस था, फिर वेट ऑफ द फीटस था, और फिर एंड में हमारे पास वो था ऑसिफिकेशन सेंटर्स थे। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास तीन फीचर्स होते हैं, ठीक है, मेनली तीन है आई गेस। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बर्थ के दौरान हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ चीज़ें बंद हो जाती हैं, जैसे हमारे पास अम्बिलिकल वेसल्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाता है, फोरमेन ओवेल बंद हो जाता है, एचबी हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन वो ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, और हमारे पास अम्बिलिकस जो होता है ना उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने कहा कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, जनरल होते हैं, जनरल में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अब बच्चा जो है ना जब पैदा होता है ना वो 45 टू 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, फिर 6 महीने बाद वो 60 तक चला जाता है, एक साल बाद जो है वो 68 तक चला जाता है, और चार साल तक वो तकरीबन 90 टू 100 सेंटीमीटर तक चला जाता है। किस तरह जब पैदा होते 45 टू 50 है, 6 महीने में जो है वो 60 तक जाएगा, साल में वो 68 तक जाएगा, और चार साल में वो 95 से 90 टू 100 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहते हैं, और हाँ, चार साल के बाद जो होता है ना बच्चे, फिर डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट एज होती है, हाइट होती है, ठीक है, लेंथ होती है। वेट की अगर बात करें, जब बच्चा पैदा होता है ना मेनली उसकी लेंथ हमने कह दी 45 टू 50 होती है, लेकिन उसका वेट जो होता है ना तकरीबन दो से तीन के जी तक होता है जब बच्चा पैदा होता है। ऑब्वियसली मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि मेल जो होगा वो 0.5 के जी ज़्यादा होगा, फीमेल जो होगी मतलब डिफरेंस हो सकता है, सॉरी। और दूसरी बात यह है कि जब हर एक महीने बाद ना 0.5 के जी में वेट में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्यूबर्टी की बात कर लेते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।